सेवानिवृत्त विदाई समारोह सहायक विकास अधिकारी रसराब बलिया ज्ञान प्रकाश पांडे को प्रधान संघ कर्मचारी अधिकारी गण ने दिया भव्य विदाई। शीलहटा ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया भव्य स्वागत। बात करें तो जिला बलिया से भी अधिकारी कर्मचारी समेत ब्लॉक के भी कर्मचारी विदाई समारोह में पहुंचे। देखा जाए तो रसराब ब्लॉक की महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने स्वागत किया। खुशी में भावुक होकर सहायक विकास अधिकारी महोदय ने सबका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मिठाइयां बांटी गयी और आतिशबाजी कर भरपूर स्वागत किया गया ज्ञान प्रकाश पांडे का। रसड़ा ब्लॉक प्रधान संघ ने अध्यक्ष ने बताया कि इसी तरह का स्वागत किसी भी कर्मचारी का अभी तक नहीं हुआ था। सौरभ कुमार की रिपोर्ट, रसड़ा बलिया। ये इस विकास खंड में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर 22 अगस्त 2018 को हमने अपना योगदान दिया था और 31 अगस्त 2024 को हमारी सेवानिवृत्ति हो गई है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित था। दूसरा ब्लॉक में कितने वर्ष आप हैं? लगभग 6 साल हमने सेवा किया है विकास खंड की। और इस विकास खंड की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि यहाँ 75 गांव हैं और 75 गांव के ग्राम प्रधान जो अपने क्षेत्र में कुशल कार्य करते हुए इस विकास खंड को जनपद में एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया था, चाहे वो पंचायत भवन का कार्य हो, चाहे सामुदायिक शौचालय का कार्य हो, या जो अभी 15-16 गांव में CSC का निर्माण हो। कहीं कहीं एक दो जगह पर थोड़ी दिक्कत हुई जहां जमीन का विवाद हो गया, तो जमीन का विवाद जो है हम लोग अपने स्तर से हल नहीं कर पाते हैं, वो चूँकि वो राजस्व विभाग का काम होता है, वो उनको हम लोगों ने पत्र लिख दिया और वो जब भी समाधान करेंगे, तो इसमें कोई प्रधान का कहीं से कोई कमी नहीं है। विदाई समारोह में जिस तरह आपको सम्मान मिला, इस तरह का सम्मान पाकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ और जो इस विकास खंड के कर्मचारी अधिकारी प्रधान पंचायत सहायक चाहे सफाई कर्मचारी हो, खंड हमारे साथ जो खंड प्रेरक हैं SBM के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल सिंह हैं, इन लोगों का बहुत ही हमें जो योगदान मिला वो हमको लगता है कि क्षमता से अधिक इन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिसकी बदौलत ये विकास खंड अग्रणी विकास खंड में अपने को स्थापित किया। सर, आज आपका विदाई समारोह कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे संग काम करने वाले बहुत ही अच्छे ढंग से काम किए और उन्हीं की बदौलत जो है आज जो मैं सम्मान पाने का अधिकारी हूँ, चाहे इस विकास खंड के चाहे अगल बगल के विकास खंड के। इस विदाई समारोह में अधिकारियों ने कर्मचारियों ने जो प्रतिभाग किया, ये बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही अच्छा लगा। सबका स्नेह हमें भरपूर मिला। प्रधान संघ की टीम और सफाई कर्मी की टीम, तमाम महिलाएं थी स्वयं सहायता जो टीम से जुड़ी, वो लोग भी थी, उनके बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? बहुत अच्छा, उन लोगों ने अपना योगदान किया, बहुत अच्छे से काम किया। और सफाई कर्मी तो गांव में जो अपना योगदान दे रहे हैं, जिसकी बदौलत जो है गांव जो है स्वच्छ दिख रहा है। समय समय पर ये जो एक महीने का कार्यक्रम भी चलता है उसमें भी ये लोग बहुत ही तन मन से अपना योगदान देते हैं और गांव को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है कि हमारे सहायक विकास अधिकारी महोदय ज्ञान प्रकाश पांडे जी का विदाई समारोह था और इन्होंने जितना सकुशलता से अपना सेवा दिया है उसी पर हम सभी प्रधान मिल करके और इनके विदाई समारोह में अपना भरपूर समय दिए हैं। और इस बात का हमें आज भी खेद है कि हमको एक गार्जियन स्वरूप अधिकारी हमारे ब्लॉक से आज जा रहे हैं, इनके स्थान को कोई पूर्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की हमें हर प्रधान को इस बात का खेद है। आपकी उम्र के हिसाब से अगर बात करूं तो इस तरह का रसड़ा विधानसभा में और भी किसी कर्मचारी को विदाई समारोह हुआ था आपके देख रेख में? ऐसा तो समारोह अभी नहीं हो पाया, अभी नहीं हुआ, नहीं। क्या लग रहा है कि कुशल मार्ग पे और भी कर्मचारी लोग चलेंगे कि इस तरह समारोह देखने को मिलेगा? उस पर नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि अच्छे लोग आ जाएं तो इससे भी बढ़ चढ़ करके कार्यक्रम हो जाए, लेकिन अब तक पीछे नहीं हो पाया है। और हम लोग लगभग राजनीति में 2500 साल से हम लोग सक्रिय हैं, ब्लॉक में बहुत कर्मचारी गण का विदाई समारोह भी देखते हैं
अच्छे अच्छे कर्मचारी यहाँ आए, अधिकारी आए और गए, लेकिन इतना भव्य विदाई समारोह नहीं हो पाया है। विदाई समारोह में देखा जाए तो प्रधान संघ और भी तमाम कर्मचारी अधिकारीगण सब पहुंचे थे, उनके लिए क्या कहेंगे दोस्तों? अब उनमें सिर्फ इतना ही हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच जो भी ये कार्य किए हैं अधिकारी के स्वरूप, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी अधिकारी कार्य क्षेत्र से बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाए हैं। हम लोग इनको एक अधिकारी की दृष्टि से नहीं देखते थे, अधिकारी के अलावा हम लोग अपना एक गार्जियन स्वरूप इनको मानते थे और कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा सलाह, अच्छा सुझाव समय समय पर मिलता था, जिससे हम लोगों की त्रुटियां नहीं हो पाती थी। त्रुटि होने से पहले ही हम लोगों को ये लोग हमारे सहायक विकास अधिकारी महोदय जी हम लोगों को सावधान कर देते थे, हमको जागरूक कर देते थे। हम कहीं ना कहीं अपने को महसूस करते थे कि हम सावधान हैं, हमारी सावधानी बढ़ा देते थे, ये मुझे लगता था।